हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो ऑलरेडी हमने कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखना है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इसी प्रोसेस को कुछ आगे डिस्कस करेंगे कि जो पोलर फॉर्म है उसको थोड़ा सा आगे, उसका डिस्कशन कुछ आगे करेंगे और उसके बेसिस पे ही हम कुछ क्वेश्चंस और भी डील करेंगे, ठीक है। तो वन थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर कि ये देखो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिकैप्चुलेट करें तो पोलर फॉर्म में किसी कम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं कि अगर हमारे पास x प्लस यूटा वाई जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम इसको क्या पोलर फॉर्म क्या है, r cos थीटा प्लस यूटा sin थीटा की फॉर्म, दैट इज इट विल बी दिस एक्स वाई कोऑर्डिनेटर कन्वर्टेड इनटू r थीटा फॉर्म, ठीक है। तो ये हम पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस में हम प्रोसेस क्या करते थे कि कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो x क्या रहता था r cos थीटा, y क्या रहता था r sin थीटा। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, तो स्केयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, तो क्या आ जाता था r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। स्केयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2 का मतलब कि अब देखो ये r स्क्वायर cos का थीटा प्लस r स्क्वायर sin का थीटा हो जाता था, तो r स्क्वायर कॉमन आता है cos का थीटा प्लस sin का थीटा 1 हो जाता था, r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो जब हम थीटा, ये तो आर की वैल्यू आ गई, दिस इज आवर मॉडल्स, ठीक है। तो जब हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, दैट इज एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करते थे, तो क्या करते थे, डिवाइड करते थे डिवाइडिंग 2 बाय 1, तो डिवाइडिंग 2 बाय 1 क्या आ जाता था हमारे पास, डिवाइडिंग 2 बाय 1 करते थे तो क्या आ गया tan थीटा इक्वल्स टू y / x, तो थीटा क्या रहता था tan इनवर्स y / x। हम इस प्रोसेस से भी कर लेते हैं, नहीं तो यो r की जो वैल्यू है वहां पे पुट कर दो तो हमारे पास cos थीटा आ जाएगा अब इज इक्वल टू x / r और sin थीटा आ जाएगा x / r। तो हमें यहां से पता चल जाता है कि थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है और थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब मैं बात कर रहा था कि जब हम देखो ये तो पोलर फॉर्म में लिख लिया, तो अब मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूं कि वी कैन नोट, तो ये था एक्स योटा वाई को आर कॉस योटा प्लस योटा साइन थीटा के फॉर्म में ले लिया। तो आई विल टॉक अबाउट दिस फंक्शन कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा को हम जनरली डिनोट कर सकते हैं सिस थीटा से। वी डिनोट कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू सिस थीटा, शॉर्ट फॉर्म चाहे समझ लो, जनरली हम इस cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा को सिस थीटा से इनोड करते हैं, ठीक है। तो आज हम इसी फंक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस फंक्शन दैट इज इन थीटा या r फॉर्म हमारे पास होगा, तो है तो पोलर फॉर्म ही। तो इसके बाद हम डिमोवे थ्योरम पे जाएंगे जो हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी डिमोवे थ्योरम, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस फंक्शन कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। तो जनरली हम इसे डिनोट करते हैं, दैट इज अगर मैं लिखूं कि कॉस पाई प्लस योटा साइन पाई इक्वल्स टू क्या लिखूंगा सिस पाई, दिस कैन बी रिटन एज सिस फाइन, दैट इज जो भी हमारा यहाँ पे cos थीटा है यहाँ पे भी वही थीटा होना चाहिए, तो इसको जनरली सिस थीटा से डिनोट कर सकते हैं। तो हम सिस थीटा की दो तीन प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस कर लें और बाद में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये आप नोट डाउन कर लो कि जनरली कैसे cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा को कैसे लिखना सिस थीटा। तो अब देखो ये तो मैंने ये लिख दिया cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा इक्वल्स टू सिस थीटा। तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी नंबर वन क्या है कि प्रूव दैट, लिख लो इसका प्रूफ ही कर लेते साथ में, वन अपॉन सिस थीटा इक्वल्स टू सिस ऑफ माइनस थीटा, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर वन हो गई, वन अपॉन सिस थीटा ठीक है इज इक्वल्स टू सिस ऑफ माइनस थीटा। तो वी हैव टू शो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, नो प्रूफ हमारे पास क्या आएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है वन अपॉन सिस थीटा
तो एज यू नो सिस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा लिख लिया मैंने ऐसे, ठीक है। तो अब इसको रैशनलाइज करो, कॉस थीटा माइनस योटा साइन थीटा, यू नो द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है उस फंक्शन में जो साइन चेंज करके मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, तो इसके बाद क्या रहेगा, कॉस थीटा माइनस योटा साइन थीटा अपॉन, नीचे देखो कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस योटा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या आ गया ए स्क्वायर, ऐसे लिख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चेक कर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आ गया ना। ओके तो देखो कॉस थीटा माइनस एटा साइन थीटा, तो नीचे देखो कॉस क्या थीटा माइनस एटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस वन, एज यू नो एटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, चेक कर लो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना है सॉरी कॉस स्क्वायर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये वैल्यू क्या बन गई 1, दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस योटा साइन ऑफ माइनस थीटा, चेक कर लो अगर आपको याद हो तो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, cos of minus theta equals to cos theta, ये होता है। तो अब देखो देखिए अगर cos of minus theta plus theta sin of minus theta, तो अगर मैं sin of minus theta को दोबारा ऐसे लिख दूं तो क्या आएगा minus sin theta, तो ये बनेगा minus theta sin theta, तो ये cos of minus theta को क्या लिखूंगा cos of theta लिखूंगा ना, ठीक है। तो this is equals to sis minus theta because cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा इक्वल्स टू sis थीटा, यहां पे थीटा है तो यहां पे भी थीटा, तो यहां पे माइनस थीटा है तो यहां पे भी क्या आएगा माइनस थीटा, दैट इज जनरली वी कैन राइट इट, अगर cos थीटा माइनस योटा साइन थीटा हो तो डायरेक्टली क्या लिखना sis ऑफ माइनस थीटा, देयरफॉर 1 अपॉन sis थीटा इक्वल्स टू sis ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी डिस्कस करेंगे साथ में, तो ये मैं रख कर रहा हूं आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ओ सॉरी मैं ऊपर से मैंने पूरा कर दिया cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा इक्वल्स टू sis थीटा, नो प्रॉपर्टी सेकंड प्रूव दैट sis थीटा 1 sis थीटा 2 इक्वल्स टू sis थीटा वन प्लस थीटा टू, ये प्रूव करना है sis थीटा वन sis थीटा टू इक्वल्स टू sis थीटा वन प्लस थीटा टू। तो प्रूफ के लिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है sis थीटा वन प्लस sis थीटा वन sis थीटा टू, तो sis थीटा वन क्या होगा cos थीटा वन प्लस योटा sin थीटा वन, यही लिखूंगा cos theta plus theta sin theta, तो क्या लिखता हूँ sis theta, तो sis theta one क्या होगा ये, अब sis theta two cos theta two plus theta sin theta, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये देखो cos theta one multiplied by this and this, तो क्या आ गया cos theta one cos theta two plus theta cos theta one sin theta two, और ये मल्टीप्लाई होगा प्लस theta साइन थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस एटा स्क्वायर साइन थीटा वन साइन थीटा, चेक कर लो ये वेरीफाई कर लो आप, ठीक है। मैं जो हमारा मार्कर है उसमें थोड़ा सा इंक जो हमारे लिए ये ज़्यादा लाइट हो जाएगा, ठीक है ऐसे आगे, सो डैट्स वाई थोड़ा सा इंक इसको मैं प्रोवाइड कर दूँ। अच्छा तो ये हो गया हमारे पास जो दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारे पास, ठीक है।
तो अब देखो ये आ गया रहा है, क्या आ रहा है देखो कि अगर मैं इस फंक्शन को देखो, वहां पे iota square आता, iota square की वैल्यू कितनी आ जाती है -1, चेक कर लो iota square की वैल्यू। तो अगर मैं इसको लिख लू cos theta 1 cos theta 2 तो iota square क्या हो गया -1, तो मैं तो ये टर्म तो होगी विदाउट iota, तो iota वाली टर्म्स अलग कर लूंगा, विदाउट iota अलग कर लूंगा, तो ये मेरे पास आ गया -sin theta 1 sin theta 2 प्लस iota। अब देखो ये दोनों टर्म्स अलग कर लिए, ठीक है, तो ये मेरे पास देखो ये किसका फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला है cos a प्लस b प्लस iota साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, चेक कर लो आप, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस इज कॉस ए प्लस बी, और प्लस iota साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया साइन ए प्लस बी का। तो अगर कॉस थीटा प्लस iota साइन थीटा इक्वल्स टू सिस थीटा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2, therefore sis theta 1 sis theta 2 equals to, जब हमारे पास sis theta multiplied हो रहे हूँ तो हमें उनको add करके लिख देना, angle add करके, जब मैं लिखूँ अगर हमारे पास ऐसा हो sis theta 1 sis theta sorry sis theta 2 sis theta 3 sis theta 4 ऐसा चलता जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं sis theta 1 plus theta 2 plus theta 3 plus theta 4, तो ये तो चार थीटास थे, अगर पांच हो जाए n थीटास हो जाए तो n तक चला जाएगा, तो प्रोसेस का चला जाएगा n तक, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं sis theta n, तो हमारे पास क्या आएगा sis theta 1 plus theta 2 so on up to थीटा एन, तो ये प्रोसेस होगा, ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक। तो ये जो प्रॉपर्टीज है हम डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है, तो वी विल डिस्कस दिस प्रॉपर्टी इन द क्वेश्चंस आल्सो। तो एक और प्रॉपर्टी है वो आप खुद प्रूव कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, उसको भी रैशनलाइज करके प्रूव करना आपने, तो ये मैं आप रब कर रहा हूँ, आप पॉज करके वीडियो को तो नोट डाउन कर सकते हो, चेक कर लो कि ये थीटा 1 थीटा 2 तो sis थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा एंगल्स हो गए हमारे ऐड हो गए, sis थीटा 1 थीटा 2 आपको थीटा है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 3 थीटा n तक चला गया, चलो ठीक है। तो आई होप कि ये यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट, यू ऑल आर वेरी मच इंटेलिजेंट। तो एक और प्रॉपर्टी अगर हमारे पास थर्ड वन इज sis theta 1 upon sis theta 2 equals to sis theta 1 minus theta 2, तो चेक कर लेना ये प्रॉपर्टी, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड, ठीक है, ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दिस sis प्रॉपर्टीज पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि गिवन है एवेल्युएट कॉस पाई बाय 9 प्लस योटा साइन पाई बाय 9 कॉस 3 पाई बाय 9 प्लस योटा साइन 3 पाई बाय 9 कॉस 5 पाई बाय 9 प्लस योटा साइन 5 पाई बाय 9, तो इसको इवेल्युएट करना, इस क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है। तो क्या है जो हमारे पास गिवन है हम इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो भी गिवन है उससे स्टार्ट करो, तो क्या रहेगा गिवन कॉस पाई बाय 9 प्लस योटा साइन पाई बाय 9, लिख लो इसको दोबारा जो भी गिवन है,
ठीक है, जो प्रॉपर्टीज की हैं उसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड भी सेम है, अगर राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। तो अब आपको अगर याद हो तो कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, सिस थीटा। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, तो क्या लिखूंगा सिस पाई बाय नाइन लिख सकता हूं, तो इसको सिस 3 पाई बाय नाइन। ठीक है, तो इसको सिस 5 पाई बाय नाइन चेक कर लो, cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा क्योंकि cos sin थीटा, तो ये भी तो वही बात है थीटा cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा cos थीटा प्लस थीटा। अब देखो अभी मैंने प्रॉपर्टी की कि लिखा हो कि cos थीटा sin सॉरी sin थीटा माइनस sin थीटा 2 sin थीटा 3 हो, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास sin थीटा हो गया पाई बाय नाइन प्लस थ्री पाई बाय नाइन प्लस फाइव पाई बाय नाइन, दिस इज इक्वल टू सिस एलसीएम सेम फाइव थ्री वन नाइन पाई, नाइन से नाइन कैंसिल हो गया, तो सिस पाई इक्वल टू कॉस पाई प्लस एटा साइन पाई, एंड ऑल यू नो कॉस पाई की वैल्यू कॉस 180 डिग्री माइनस वन प्लस ये होता साइन पाई जीरो, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था। तो ऐसा ही अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप आराम से इसको अपने आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे हमें और कुछ क्लियर होंगी हमारे डाउट्स। ठीक है, तो ये मैं रख कर रहा हूं, अब देखो अगर मैं इंक प्रॉब्लम है, देखो द क्वेश्चन इज इफ एक्स आर इक्वल्स टू कॉस पाई अपॉन थ्री पावर आर प्लस योटा साइन पाई अपॉन थ्री पावर आर, शो दैट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सो ऑन एक्स एन इक्वल्स टू कॉस पाई बाय टू वन माइनस वन अपॉन थ्री पावर एन प्लस एटा साइन पाई बाय टू इस स्पेस थोड़ी सी कम है इक्वल्स टू कॉस पाई बाय टू वन माइनस वन अपॉन थ्री पावर एन प्लस एटा साइन पाई बाय टू वन माइनस वन को थ्री पावर एन। ठीक है, तो ये हमें शो करना है, और हेंस प्रूव दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी एक्स वन एक्स टू एक्स एन इक्वल्स टू एटा, ये वैल्यू क्या आना चाहिए इक्वल्स टू एटा आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे जो भी हमारे पास गिवन कंडीशन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, तो आप साथ में ही नोट डाउन करते जाना क्योंकि मैं साथ में रैप भी करूं। तो गिवन क्या है, गिवन एक्स आर इक्वल्स टू कॉस पाई अपॉन थ्री पावर आर प्लस एटा साइन पाई अपॉन थ्री पावर आर। अब देखो ये एक्स आर गिवन है, गिवन इज एक्स आर, तो उन्होंने क्या बोला कि शो दैट एक्स वन मल्टीप्लाइड एक्स टू मल्टीप्लाई एक्स थ्री आपको शो ऑन एक्स एन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू निकालनी चाहिए, एक्स आर गिवन है तो थ्री पावर आर है, तो देयरफॉर एक्स वन क्या आ जाएगा कॉस पाई अपॉन थ्री एटा साइन पाई अपॉन थ्री, यही आएगा, थ्री पावर वन लिख लो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं,
अगर आर था तो 3 पावर आर, तो 1 है तो 3 पावर 1 है। अब कॉस पाई अपॉन 3 स्क्वायर प्लस ये उल्टा साइन पाई अपॉन 3 स्क्वायर, 3 cos π/3 प्लस ये उल्टा साइन पाई अपॉन 3/3 और सो ऑन। एक्स एन क्या आ जाएगा, 3 पावर n प्लस ये उल्टा साइन पाई अपॉन 3/n। चेक कर लो, ठीक है। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया x1 x2 x3 जो भी वैल्यूज थी। तो अब ये शो करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा मैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ठीक है, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, x1 x2 x3 सो ऑन अप टू xn। तो दिस इज इक्वल्स टू, x1 की वैल्यू लिख लो cos पाई अपॉन 3 प्लस उल्टा sin पाई अपॉन 3, x2 की वैल्यू मल्टीप्लाइड हो रहा है ना cos पाई अपॉन 3 स्क्वायर प्लस उल्टा sin पाई अपॉन 3 स्क्वायर, x3 cos पाई अपॉन 3/3 प्लस उल्टा sin पाई अपॉन 3/3 सो ऑन चलता जा रहा है। तो लास्ट में क्या लिखना है, cos पाई अपॉन 3/n प्लस उल्टा sin पाई अपॉन 3/n। चेक कर लो यही आ रहा है ना, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, भी नहीं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, होगा भी नहीं डाउट, ऐसा कोई डाउट होगा भी नहीं, बहुत ही सिंपलिसिटी से मैंने समझाया आपको और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट करो तो दिस इज कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा, सिस थीटा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, सिस पाई बाय 3। तो क्या इसको लिख सकता हूं, सिस पाई बाय 3 स्क्वायर सिस पाई बाय 3 क्यूब सिस पाई बाय 3/n लिख सकता हूं, और ऑफ कोर्स लिख सकता हूं cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा सिस थीटा, तो cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा सिस थीटा, cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा सिस थीटा, तो वही लिख लिया। तो अब प्रॉपर्टी यूज करूंगा, प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि जब ऐसा लिखा हो तो हम थीटा ऐड कर देते हैं एंगल्स, क्या आ गया सिस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 स्क्वायर पाई बाय 3 क्यूब सो ऑन प्लस पाई बाय 3/n। चेक कर लो यही चल रहा है, ठीक है। अभी अभी हमने प्रॉपर्टी की, ठीक है, जब सिस थीटा 2 सिस थीटा 3 सिस थीटा 4 आपको सिस थीटा n तक मल्टीप्लाइड हो रहे हों तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्टली कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब देखो, अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करना, अब ये जो जो इनसाइड फंक्शन है हमारा, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो तो इट इज अ फाइनाइट जीपी, इट इज अ फाइनाइट जीपी, ये जो इनसाइड फंक्शन, अगर देखो देखो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 स्क्वायर प्लस पाई बाय 3 क्यूब पाई बाय 3/n फाइन n तक टर्म्स हैं, तो ये मैं फाइनाइट जीपी बता रहा हूं। तो देखो ये क्या है, अगर ये जीपी है तो सम ऑफ द फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगेगा यहां पे, सम ऑफ फाइनाइट जीपी। अगर मैं ये ऐसा ये एडिशन साइन यहां से खत्म कर दूं तो ये क्या होगी फाइनाइट जीपी, कैसे जीपी की कॉमन रेशियो क्या होती है, सेम, ठीक है। तो चेक कर लो कॉमन रेशियो सेम आ रही है, अगर मैं सेकंड को फर्स्ट के साथ डिवाइड करूंगा तो क्या आ रहा है मेरे पास पाई बाय 3 इट सॉरी पाई नॉट पाई बाय 3 ओनली 1/3 पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है 1/3। सो हमारा कॉमन रेशियो क्या आ रही है 1/3, इट इज अ जीपी विद कॉमन रेशियो 1/3 एंड फर्स्ट टर्म इज पाई बाय 3, आर क्या आ गया और ए क्या आ गया पाई बाय 3, फर्स्ट टर्म हमारी पाई बाय 3 और आर क्या आ गया 1/3। तो यहां पे मैं सम ऑफ इनफाइनाइट सॉरी फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाऊंगा, यहां पे एन टर्म थे ना, एन इनफाइनाइट तक तो नहीं है, इन्फिनिटी तक तो नहीं है, ये सो ऑन तो चल ही रहा है, यहां पे एन तक तो खत्म कर दिया, तो फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो एज यू नो
कि हमारे पास जो फाइनल जीपी का सम ऑफ फाइनल जीपी का फॉर्मूला क्या है कि ए वन माइनस आर अपॉन वन माइनस आर, ठीक है, और सॉरी पावर एन इफ आर इज लेस देन वन। यहां पे हमारे पास जो आर आ रहा है वन बाय थ्री आ रहा है, दैट इज जो हमारी रेशियो है इट इज लेस देन वन, तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा कि ए वन माइनस आर पावर एन अपॉन वन माइनस आर, तो ये फॉर्मूला यहां पे मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं यहां से ये रब कर रहा हूं और ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट, ये तो बस वैल्यू से फिल की थी, तो इससे नेक्स्ट अगर मैं यहां तक ही, ये तो देखो इससे नेक्स्ट क्या होगा, ये तो मैंने आपको बताया ना आपकी सहूलत के लिए कि ये क्या लगेगा हमारे पास ये फॉर्मूला, तो क्या रहेगा, दिस इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू सिस, ये देखो क्या आएगा, ए वन माइनस आर पावर एन, आर कितना है वन बाय थ्री और ए कितना है पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री वन माइनस वन बाय थ्री की पावर एन अपॉन वन माइनस वन बाय थ्री, ये आ गया। सो दिस सिस एंड दिस फंक्शन दिस सीरीज दिस इज अ जीपी सीरीज अप टू एन टर्म्स, तो हम सम अप टू एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे जीपी का विद रेशो लेस देन वन, तो रेशो आ रही है वन बाय थ्री, तो चेक कर लो ये है, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, दिस इज सिस पाई बाय थ्री वन माइनस वन पॉइंट थ्री पावर एन, इसको लिख सकता हूँ वन पावर एन इज वन, वन की पावर कुछ भी हो वन हो जाएगा, थ्री पावर एन, तो वन माइनस वन बाय थ्री कितना बन गया टू बाय थ्री, ठीक है। तो ये अगर सिस पाई बाय थ्री तो ये थ्री बाय टू हो जाएगा वन माइनस वन पॉइंट थ्री पावर एन, ठीक है। तो ये थ्री से थ्री कैंसिल, दिस इज सिस पाई बाय टू वन माइनस वन पॉइंट थ्री पावर एन, तो ये सिस है, तो सिस को कॉस की फॉर्म में लिख सकता हूं, दिस इज सिस थीटा, तो इट कैन बी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स इट कैन बी रिटन कॉस पाई बाय टू वन माइनस वन पॉइंट थ्री पावर एन प्लस इटा साइन पाई बाय टू वन माइनस वन पॉइंट थ्री पावर एन, चेक कर लो ये इतना पार्ट हमने प्रूव कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, ठीक है, चेक कर लो इतना पार्ट हमने प्रूव कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सो वन अपू एक्स एन, ये आ गया हमारे पास। तो अब मैं यहां से ही स्टार्ट करूंगा और ये प्रूव करूंगा, चेक कर लो एक बार यहां पे, इससे आगे वाला स्टेप ये लिखना, ये आपको रफ फर्क के लिए बताया मैंने कि ये है क्या, ये बना क्या है, इट इज फाइनाइट जीपी, तो सम अप टू फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने विद आर क्या हमारी 1 बाय 3 कॉमा रेशियो लेस देन 1, प्लस 1 क्लास में आपने किया होगा, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए जीपी के बारे में तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस एंड सीरीज प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पे जाके वहां पे आप जीपी के बारे में सारे लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया, तो ये मैं रब कर रहा हूं अभी, तो अब ये यहां से मैं रब करूंगा, अब देखो क्या आ गया, देयरफॉर एक्स वन एक्स टू एक्स एन इक्वल्स टू कॉस पाई बाय टू वन माइनस वन अपॉन थ्री पावर एन प्लस योटा साइन पाई बाय टू वन माइनस वन अपॉन थ्री पावर एन, तो ये बन गया। अब क्या करूंगा, लिमिट ऑपरेट करूंगा, टेकिंग लिमिट एन अप्रोचेस इनफिनिटी बोथ साइड लिमिट ऑपरेट कर दूंगा मैं, ठीक है। Taking limit n approaches to infinity both sides, तो आएगा limit n approaches to infinity x1 x2 x3 so on xn equals to, अब यहाँ पे limit n approaches to infinity क्या आएगा, देखो अगर n infinity को approach कर रहा है तो 1 upon 3 power n, 1 upon 3 power infinity, अगर power 1 हो तो 1 upon 3, 2 हो तो 1 upon 9, 3 हो तो 1.27, तो
इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये देखो 1/3 0.33, तो 1/9, तो इसका भी थर्ड पार्ट बन गया, इसके भी तीन हिस्से हो गए, इससे भी तीन हिस्से छोटा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या जा रहा है, कहां पर जा रहा है, जीरो। सो इट बिकम्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, तो हमारी जब n इनफिनिटी को पहुंचेगा तो ये वैल्यू 1/3 पावर n अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो। सो दैट्स व्हाई हम क्या लिखेंगे, cos pi by 2 प्लस, सॉरी cos pi by 2 1 माइनस 0 प्लस उल्टा sin pi by 2 1 माइनस 0। तो हमारे पास क्या बन गया, cos pi by 2 प्लस उल्टा sin pi by 2, तो cos pi by 2 cos 90 दिस इज इक्वल टू 0 प्लस उल्टा sin 90 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी x1 x2 xn इक्वल्स टू उल्टा, हेंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर लिया। तो बच्चों ऐसे ही हम बाकी क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं, तो इसके रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है तो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।